Good morning to all of you. Now we are continuing our previous exercise, exercise 12.1. So question number 4 is, (8^-1)(5^3)/(2^-4). इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए 8 है, 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2^(1)^3. 2 को 3 टाइम्स यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देन (5^(3)/(2^-4). अब यहां पर एक चीज देखिएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है. इसको यदि आप सॉल्व ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2^(-3) एंड 2^(-4). ये हो गया मल्टीप्लाई 5^(3). यहां पर आपने देखा होगा हमने एक लॉग लगाया था कि यदि दोनों चीज सेम रहती है, बेस दोनों में सेम रहते हैं और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट रहते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2^-3^-4^(5^3). क्लियर हुआ? आगे देख लेते हैं. 2^-3^-(-4^5^3). सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा प्लस वैल्यू, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2^(5^3) मतलब 5 को 5 3 टाइम्स लिख देते हैं हम, कितना आ जाएगा 2^(5)^5 कितना हो जाएगा 25, 25^(5) कितना हो जाएगा 25 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, कैरी 2, 5 × 2 = 10, 2 = 125. मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 5 = 10, कैरी 1, 2 × 2 = 4, and 1 = 5, 2 × 1 = 2. सो आंसर इज, इस क्वेश्चन का सेकेंड पॉइंट आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप सॉल्व करेगा. नाउ वी हैव कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n फॉर which. यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया है, इसमें m की m दिया है, फिर अदर अलग एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं, इसमें हमको फाइंड करना है m को. m को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप देख रहे हैं से डिवाइड हुआ है दोनों बेस के बीच में, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो इसमें रूल लग जाएगा 5 (n−3)=(5^5). देन आफ्टर क्या करेंगे, 5 (n−−) क्या हो जाएगा प्लस 3 = 5^5. ये एक इक्वेशन मिल गया. अब यहां पर देखिए बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं एन निकालने के लिए. तो कंपेयर एक्सपोनेंट्स बोथ साइड, बोथ साइड के एक्सपोनेंट्स को हम क्या कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, (n+3)=5. ये आया था ठीक, इसको आप क्या कर लीजिए m as it is रहने दीजिए, 3 को ट्रांसफर कर देते तो 5 − 3 (m = 2). दिस इज द आंसर. इसका नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसको सॉल्व करिएगा, कोई डाउट आता है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज थ्री, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं सेम एज इट इज, जैसे हम पहले सॉल्व करते हुए आ रहे थे कि इधर पर भी फॉर्मूला लगेगा (n−n)/(1/a). इसी फॉर्मूले के बेस पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सेम एज इट इज, यहां पर रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 3
माइनस फोर, इसमें क्या हुआ ये अपोजिट साइड चला गया, वन था डिवाइड में तो वन की कोई वैल्यू नहीं होती, वन को लिखा नहीं जाता, इसलिए हमने क्या लिख दिया थ्री बाय थ्री लिख दिया और यहां पर भी फोर लिख दिया। देन इक्वल्स टू थ्री माइनस फोर क्या हो जाएगा, माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मैम थ्री माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते क्वेश्चन नंबर सेवन सिंप्लीफाई। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया होगा जिसको हमको क्या करना सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए जैसे 25 लिखा है तो 25 को हम इस टाइप से लिख सकते फाइव एस टू दावर टू, यदि 5 बाय टू 5 से करेंगे तो कितना जाएगा 25 बच जाएगा। देन टी एस टू दावर माइनस फोर डिवाइड बाय 5 एस टू दावर माइनस 3 जो गिवन था, और 10 है, 10 को हम ये लिख सकते 5 into 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 into 2 से करेंगे कितना जाएगा 10 आ जाएगा। देन टी रेस्ट टू दी पावर माइनस 8 आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये पूरा पोर्शन क्या है डिवाइड पोर्शन है, यदि 5 का बेस देख ले हम और टी का बेस देख ले तो ये डिवाइड पोर्शन है तो इसको हम डिवाइड वाले रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 रेस्ट टू दी पावर 2 माइनस माइनस 3 देन माइनस 1 देन आफ्टर इनटू टी रेस्ट टू दी पावर 4 इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम तो माइनस माइनस 8 डिवाइड बाय इक्वेशन आ गया। इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सो 5 रेस्ट टू दी पावर 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू यहां पर भी सेम माइनस 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 प्लस सो टी माइनस 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 ये हो गया। इसको अगेन सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू टी टू दी पावर 8 में से 4 गया कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 5 माइनस कर दीजिए इसको तो 5 रेस्ट टू दी पावर 4 इंटू टी टू दी पावर 4 डिवाइड बाय 2 सॉल्व कर लीजिए इसको कितना आ जाएगा 5 into 5 into 5 into 5 into 3 to the power 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाता है 5 into 5 से करिए कितना हो जाएगा 25 25 5 जा 125 and 125 को अगेन आप 5 से इंटू कर लीजिए कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2 गया 5 2 जा 10 10 to 12 कैरी 1 5 under 5 and 6 625 625 डिवाइड बाय 2 एंड टी रेस्ट टू दी पावर 4 सो दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ अच्छे से, हमने बहुत इजी प्रोसेस यूज किया इसमें, क्या किया हमने सबको सिंप्लीफाई करते गए इस क्वेश्चन में हमको क्या करना सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया हमने 25 जो था 25 को सबसे पहले उसके स्क्वायर में कन्वर्ट स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया तो स्क्वायर रूट क्या होगा उसका 5 हो गया। देन 10 को भी हमने कन्वर्ट कर दिया तो 5 into 2 हो गया और सबको सब में हमने कौन सा रूल लगाया था डिवाइड वाला रूल लगाया, डिवाइड वाला रूल लगाने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आई उसको हमने उसमें सॉल्व कर दिया पुट किया वैल्यूज को और हमारा आंसर कितना गया 625 divided by 2 टी रेस्ट टू दी पावर 4। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपके लिए होमवर्क है। Now we have completed exercise 12.1. Next video में हम complete करेंगे exercise 12.2. Okay, thank you.